क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं क्रियाविधि को समझाइए। यह क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है, तो इसका आंसर आप अच्छी तरह से लिखिए। आपको अच्छी तरह से समझाया गया है इस वीडियो में, उसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी चालक से प्रवाहित अल्प धारा को मापने के लिए किया जाता है। यानी जो गैल्वेनोमीटर है वो चालक से धारा प्रवाहित होती है, यानी कि करेंट, मतलब कोई तार है उसमें से धारा प्रवाहित होती है, उसी को नापने के लिए क्या हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसका सिद्धांत, जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण क्रियाशील हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र जो है यानी कि चुंबक के क्षेत्र आसपास ले जाएगा सीखा कोई, तो सीखा क्या होता है, खींचने लगता है या आपको फेंकने लगता है, तो यही उसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसमें क्या होता है, बल आघूर्ण हो जाता है, ठीक है, एक बल उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी बनावट की, तो आप देख सकते हैं डायग्राम जो है, डायग्राम में इसके बारे में लिख देना आपको, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए, इसका एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपटी हुई तांबे की तार की एक कुंडली होती है, ठीक है, यानी एल्युमिनियम का एक फ्रेम है उस पर तांबे की तार लपटी होती है, वो कुंडली होती है, ठीक है। और कुंडली के चुंबकीय के दो ध्रुवों के बीच लटकाया जाता है, इसका मतलब क्या, नॉर्थ और एक साउथ पोल के बीच में लटका दिया जाता है, ठीक है। तथा एक नर्म लोहे के टुकड़े को कुंडली के फ्रेम के मध्य रखा जाता है, जो कुंडली होता है उसके मध्य यानी कि उसके बीच में एक नर्म लोहा रखा जाता है। देखिए इस डायग्राम में जो व्हाइट कलर का है ये क्या है, एल्युमिनियम का एक फ्रेम है, उस पर देखिए गोल गोल लपटा गया है, क्या है, ये तांबे की तारे हैं, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, दो पोल है चुंबक का, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक लोहा है ब्लैक कलर का, जो यह क्या है, नरम लोहा है। तो इस तरह गैल्वेनोमीटर की बनावट होती है, ठीक है। चलते हैं आगे कार्य पर, तो इसका कार्य क्या है, तो देखिए कार्य इसका, हम जानते हैं कि जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब चुंबकीय क्षेत्र में जब सिक्का को रखते हैं तो देखते हैं उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, उसी तरह इस गैल्वेनोमीटर में भी होता है। चुंबक के बीच है तो जो लोहा है उसमें क्या होता है, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलेगा, टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, ये जो आपको टी की तरह दिख रहा है इससे हम टॉर्क पढ़ते हैं, और जो एन है एक कुंडली में फेरों की संख्या है, ए जो है एक कुंडली का क्षेत्रफल है, आई है कुंडली में प्रवाहित धारा है, और बी क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। और जो आपको साइन थीटा है, जो उसमें थीटा है वो क्या है, तो कुंडली के तल के अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वही है क्या है, थीटा है, ठीक है। टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन थीटा है, और थीटा के जगह पर हम लोग 90 ले रहे हैं, जब साइन थीटा का मान 90 हो जाएगा तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार टॉर्क एन आई ए बी हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा तो 90 यानी कि 1 हो गया, यानी कि वो हट गया, यानी टॉर्क बराबर एन आई ए बी। इसके बाद देखिए आपको कुछ लिखना है, और लिखना क्या है, तो देखिए जैसे कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होती है और तार में एंठन उत्पन्न होने लगती है, यानी जो तार आप वहाँ पर तांबे का तार था जो घूमता गया था उसमें क्या होता है, एक एंठन उत्पन्न होती है जिससे वो थोड़ा थोड़ा घूमने लगता है, समझिए कि, और उसमें क्या होता है, प्रत्ययन बल उत्पन्न होता है, और तार की एकांक एंठन में उत्पन्न प्रत्ययन बल का मान k होता है। इसमें बोला है एकांक यानी कि बहुत सारे बल है उसमें से एक छोटा भाग क्या है, के है, और बाकी जो बच गया वो क्या है, फाई है, ठीक है। तो इसी को हम लोग मान लेंगे। अगर नहीं समझ आए तो एक एग्जांपल से समझिए, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है और आपको इधर 1 रुपया दे दिया गया, तो इसको हम मान लेते हैं के, और बाकी जो बचा 999 उसको हम मान लेते हैं फाई। जब आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, के फाई। इस प्रकार टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, के फाई, और टॉर्क बराबर पहले क्या था, एन आई ए बी, और अब क्या है, के फाई, तो एन आई ए बी बराबर क्या हो जाएगा, के फाई हो जाएगा। अब देखिए एन आई ए बी जो है वो आई को छोड़कर बाकी एन ए बी को हम लोग इस बगल ले रहे हैं, यानी के फाई बटा क्या हो जाएगा, एन ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर फाई को छोड़कर के बटा एन ए बी ये क्या होता है, एक जी होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जी फाई हो जाएगा, जहाँ जी बराबर क्या है, के बटा एन ए बी, जिसे धारा मापी नियतांक कहते हैं। तो ये रहा आपका आंसर।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।